बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह। कल रात खड़गे ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, लेकिन आज दिग्विजय नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे दिग्विजय सिंह उनसे मुलाकात करने, तो तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का कल रात सामने आया। उसकी अटकलें तेज हुई कि वो भी अध्यक्ष पद की रेस में है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर 11 बजे के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज आखिरी दिन है और ऐसे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए 2024 की जो लड़ाई है ना, वो कांग्रेस के लिए एक चैलेंज के तौर पर है। जमीनी स्तर पर जुड़ा नेता दिग्विजय सिंह है और लंबा जो उनका कार्यकाल रहा है, और अभी की अगर पदयात्रा का ही जिक्र कर ले, वो राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि मल्लिकार्जुन भी बेहद करीबी है कांग्रेस के, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से, लोगों से जुड़ने के लिहाज से, मास अपील के लिहाज से दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुख तौर पर सामने आएगा। और 2024 के पहले नेहा देखिए, एक बड़ी चुनौती उनके अपने राज्य में भी होगी, क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी चुनाव होने वाले हैं। और अगर आपको याद हो कि 18 के चुनाव के पहले यही दिग्विजय सिंह तब भी यात्रा लेकर के निकले थे, उन यात्राओं के बाद संगठन का, मोबिलाइजेशन का सीधा असर महज कुछ दिनों के बाद ही मध्य प्रदेश के चुनाव पर दिखा था। कांग्रेस ने किसी तरह सरकार भी बना ली थी, हालांकि वो ज्यादा दिन टिकी नहीं, लेकिन सरकार तो बना ली थी। ये जरूर बात है कि दिग्विजय सिंह का जो प्रशासनिक अनुभव है, संगठन पे पकड़ है, महासचिव रहते हुए जितने करीबी से वो लोगों को जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए शायद वो चुनौतियां हो सकती हैं कि क्या उनके पास उस तरह का प्रशासनिक अनुभव है और क्या संगठन पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत है। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी में अगर यह तय होता है कि जो सर्वोच्च, जिसे हाई कमांड कहा जाता है, अगर वो किसी के साथ खड़ा है तो बाकी फिर एक औपचारिकता रह जाती है कि एक अध्यक्ष पद तो है, अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से। ऐश्वर्या, कुछ जानकारी मिली है ये मुलाकात क्यों हुई है? कर्टसी कॉल है जिसके तहत दिग्विजय सिंह खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे? देखिए, कर्टसी कॉल है या नहीं ये तो 12 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा नेहा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि नॉमिनेशन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे 12 बजे के बाद पहुंचेंगे और 12 बजे के बाद का ही समय शशि थरूर का भी है। तो हो सकता है कि आज कुछ ऐसे भी नाम सामने नजर आए रेस के लिए जिनका नाम पहले नहीं था, और शायद यही कारण है कि हमने देखा आपसे कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे दिग्विजय गए हैं अंदर थोड़ी देर के अंदर, लगभग आधे घंटे 40 मिनट की मुलाकात बताई जा रही है नेहा। एक बार जब ये मुलाकात पूरी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि दिग्विजय सिंह बाहर आके मीडिया से बात करें, और हो सकता है कि कुछ नए नाम आज जैसे जैसे दिन खत्म होगा कुछ नए नाम नहीं हो सकता है सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक क्या बताया है? क्या उन्होंने साफ किया है कि आज वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, या फिर उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हैं? किस तरीके की हलचल है वहां पर आप देख पा रही हैं? देखिए, अभी तक समर्थक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, क्योंकि जो सूचना आ रही है वो ये है कि 12 बजे के बाद किसी भी समय मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकलेंगे। हो सकता है जब यहां से निकले नेहा तब लोगों से बात करें और बताएं कि आगे का प्लान क्या है, लेकिन इस समय सबसे मजबूत दावेदार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे लग रहे हैं। नाम जो है अचानक से सामने आया, कल रात को हमने देखा किस तरीके से सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिलने गए थे, देर रात बाहर आए थे। तो ये सब जो चल रहा है, हो सकता है कि इसके तहत जो एक नाम और जो एक सबसे मजबूत कैंडिडेट सामने आए नेहा, वो हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो। आज दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी समय AICC दफ्तर जाएंगे और अपना नामांकन पत्र भर देंगे नेहा। और साथ ही ऐश्वर्या, अचानक से खड़गे के नाम की एंट्री होती है कल रात में, वो पूरे सिनेरियो में आ जाते हैं। अभी तक उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी, जब अशोक गहलोत ने अपना नाम वापस ले लिया कल की मुलाकात के बाद, उसके बाद खड़गे के नाम पर विचार हुआ या हमेशा से ही वो कांग्रेस के दिमाग में थे? देखिए नेहा, ये आपको मैं बता दूं कि सबसे जो दावेदार जो फ्रंट में जो थे वो थे अशोक गहलोत। सबको उम्मीद थी कि वो एक ऐसे वो शख्स हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा के अंदर जैसे पूरी काया पलट हो गई, उसके बाद नए नामों की खोज की गई, और इनमें से अब जो एक नाम बाहर निकल के आया है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और हो भी सकता है कि जो पार्टी हाई कमांड है, जो आला कमान है, हो सकता है कि वो चाहती हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इसी वजह से हमने देखा कि कुछ ही घंटों के अंदर इनका नाम सामने आया है, और नाम सामने आने के साथ साथ नेहा सबसे मजबूत कैंडिडेट भी इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे बताए जा रहे हैं। नेहा, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है वहां से कि अगर खड़गे अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो क्या दिग्विजय दाखिल नहीं करेंगे, फिर शशि थरूर बनाम खड़गे हो जाएगा?
हो सकता है। देखिए क्योंकि कल जब गए थे तो फिर नामांकन दिग्विजय को आज सबमिट करना था, कल सिर्फ कागज लेके आए थे। जब बाहर आए थे तो उन्होंने लोगों से बातचीत करी और हम लोगों को बताया था एकदम स्पष्ट कि आज तो सिर्फ पेपर लेने आया हूँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, कल आऊंगा। तो ये भी हो सकता है कि दिग्विजय जो अंदर बात करने गए हो वो यही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं अपना नामांकन आज भरने के लिए, तो हो सकता है कि खबर ये भी आए कि दिग्विजय सिंह रेस से आउट हो जाए और शशि थरूर वर्सेज मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है नेहा इस समय, ये सब जो है बातें चल रही है, इंतजार करना होगा किसी पुख्ता न्यूज का अंदर से बाहर आने के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं यहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर। उम्मीद है कि कुछ ही देर के अंदर दोनों दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आएंगे और तब स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, देखिए हम चर्चा यही कर रहे थे कि अगर शशि थरूर को इस समय सिनेरियो से थोड़ा माइनस कर देते हैं, अगर खड़गे बनाम दिग्विजय सिंह होता है जिसके चांसेस भी काफी कम है, क्योंकि अगर खड़गे खड़े होंगे तो हो सकता है दिग्विजय सिंह नामांकन ना दाखिल करें, ऐसे में दिग्विजय सिंह की जो मास अपील है उसे खड़गे तो मैच नहीं कर सकते। और गांधी परिवार इस वक्त अपने अध्यक्ष में क्या देख रहा है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक ऐसा अध्यक्ष जो संगठन को चला सके, एक सीधा सा पैमाना होता है जो सर्वमान्य हो, जो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्यों में संगठन पर पकड़ रख सके, वहां के स्थानीय नेताओं के बारे में कम से कम जानता हो, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझता हो। अब दिग्विजय सिंह में वो काबिलियत तो है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां तक पहुंचाया जाता है तो देखिए दक्षिण की अपील तो उनकी काम करती है। और देखिए हम राहुल गांधी की जो यात्रा देख रहे हैं वो भी दक्षिण से शुरू होकर के आगे बढ़ रही, बाद में अलग अलग चरणों में होगी, तो उन कसौटियों पे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि दिग्विजय सिंह का अनुभव से कहीं ज्यादा रहा है। लेकिन यहां से गुलदस्ता लेकर के जाना, उनके घर जाकर के मिलना, बीती रात की मुलाकात, ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वो संभावनाएं दिखा देती हैं कि रेस जैसा शायद कहीं कुछ रह ही ना जाए। क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है, अगर ये परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में सीधी सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीती रात मुलाकात की, वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। वर्सेस वाली स्थिति शायद शशि थरूर के साथ भी न रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं कि अगर दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं करते हैं तो वो भी विड्रॉ कर लें, कल तक स्क्रूटनी होनी, स्क्रूटनी के पहले ही हो सकता है, अपना वहां की नौबत ही ना आए, पहले विड्रॉ कर लें।